नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी कथलकर आपके साथ। आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज़, हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट। पर्यावरण संवर्धन व विकास समिति चंद्रपुर द्वारा तुकुम के आश्रय कॉलोनी में कृष्ण जी आरिकर स्मृति उद्यान में पेड़ों को राखी बांधकर वृक्षारोपण के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। इस दौरान पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ों को राखी बांधकर उनकी रक्षा करने की शपथ ली। कोरबना में RCCPL कंपनी के परसोडा चुनखड़ी लीज क्षेत्र का संपूर्ण काम तथा भारी वाहनों की यातायात पूर्णतः बंद करने के संबंध में कंपनी व्यवस्थापन को दिया गया निवेदन। 1 सितंबर तक इस मांग की पूर्णता न करने पर आक्रोश आंदोलन करने का इशारा परसोडा ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा स्थानिकों ने दिया है। रक्षाबंधन के अवसर पर गढ़चांदूर के बंगाली कैंप की बहनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। प्रिय मोदी जी, हमें बिजली, पानी तथा रास्ता दो, ऐसी मांग लिखते हुए यह पत्र प्रधानमंत्री को भेजा गया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। बीते दिनों राजूरा में चेतन होटल के समीप एक पुराने मकान में फांसी लगाई हुई अवस्था में अज्ञात शव मिला था। इस शव की अब पहचान हो चुकी है। मृतक का नाम विकेश गोविंद राव कोकाटे, उम्र 39 होकर वह नागपुर का रहने वाला था। हालांकि उसकी नागपुर से राजूरा आने की और मृत्यु की वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। आंध्र प्रदेश से चंद्रपुर आने के दौरान गढ़चांदूर बस स्थानक से कुछ ही दूरी पर चलती बस में से एक युवक ने अपनी पत्नी तथा परिजनों के सामने ही बस से छलांग लगा दी। इसमें उस 25 वर्षीय युवक राकेश इंद्रजीत पटेल की मृत्यु हो गई। 30 अगस्त के दोपहर की यह घटना होकर अभी तक मृत्यु की वजह पता नहीं चल पाई है। चंद्रपुर के शासकीय महाविद्यालय और रुग्णालय में परिचारिका के मृत्यु के बाद जिला प्रशासन को पालक मंत्री द्वारा जांच के आदेश दिए गए। इसके बाद जिलाधिकारी विनय गौड़ा स्वयं मुआयना करने जिला अस्पताल पहुंचे। बलारपुर से एक शर्मसार कर देने वाली खबर है, जिसे सुनकर किस रिश्ते पर विश्वास करें, ऐसा गंभीर प्रश्न लड़कियों तथा महिलाओं के सामने खड़ा हो रहा है। बलारपुर में एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी को अपने हवस का शिकार बनाया। आश्चर्य की बात तो यह है कि 15 वर्षीय बेटी पर बाप बार बार अत्याचार करता रहा, जिसकी खबर पीड़िता की मां तथा भाई को भी थी। पीड़िता के थाने पहुंचकर शिकायत करने पर बाप को गिरफ्तार किया गया है तथा मां और भाई पर कार्रवाई की जा रही है। आजच्या धकाधकीच्या जीवनात विरंगुळा मिळावा यासाठी निसर्गरम्य परिसरात वास्तव्य करावे ही सर्वांचीच मनापासून इच्छा असते आणि ती पूर्ण करता येईल साई नगरी येथे प्लॉट खरेदी करून। चंद्रपूर येथील विमला देवी आयुर्वेदिक कॉलेजला लागून असलेल्या मौजा वांड्री येथे सर्व सोयी सुविधांनी युक्त असलेले प्लॉट उपलब्ध आहेत, तेही फक्त 399 रुपये प्रति स्क्वेअर फूट। आणि महत्त्वाचं म्हणजे ही रक्कम आपल्याला एकाच वेळी द्यायची नाही, ती आपण देऊ शकता 12 महिन्यांच्या दीर्घ मुदतीत। आजच आम्हाला खाली दिलेल्या क्रमांकावर कॉल करा, आमची कार तुम्हाला घरी घ्यायला येईल आणि आपलं स्वप्न पूर्ण करण्याकरिता घेऊन जाईल। आमच्या ऑफिसचा पत्ता आहे आदर्श पेट्रोल पंप जवळ बंगाली कॅम्प चंद्रपूर। मोबाईल नंबर 9529155618 आणि 9422138523। तर एकदा अवश्य भेट द्या। तो सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।